नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आता है वो है कि रेप्लिकेशंस या टॉपिक जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है हमें पता है सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षित जो प्रवृत्ति होती है वो डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर को हम फिर से देखें तो देखिए ये है इसका 3 एंड और 5 एंड्स और दोनों एंटी पैरेलल है। जो दोनों रिंग्स पाई जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन जो पाई जाएगी वो एंटी पैरेलल होती है और दोनों ही फॉस्फेट शुगर से अटैच होती है देखिए, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन पाया जाता है। एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होती हैं। तो यहाँ पर पेरेंटल चेन और दूसरी पेरेंटल चेन के बीच में डबल हेलिकल कम्प्लीमेंट्री स्ट्रक ब्रांचेस का निर्माण होता है जो कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से फॉर्मेशन होती है, और जो इसका न्यू प्रोजिनी चेंज होती है उनका सिंथेसिस का जो निर्माण होता है वो इस तरह से होता है। देखिए डायग्रेक्शन के अंदर जो न्यू डीएनए का जो हेलिक्स है उसकी डबल हेलिक्स डबल स्टैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ए डबल एंड हेलिक्स जो है वो दोनों चेंज खुलती हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स के द्वारा ओपन होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो है वो वर्क करते हैं। और वर्क करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये डीएनए गायरेज एंजाइम है रिड्यूस इन लिंकेज जो लिंकेज को कम करता है। फिर टोपोआइसोमेरेज रिलैक्स टेंशन, इसके अंदर जो बीच के अंदर चेंज के अंदर जो टेंशन पाया जाता है बंद पाए जाते हैं उसको कम करता है और उसे सेपरेट करने का काम करता है। डीएनए हेलिकेज जो है वो अनकॉइलिंग करता है, इसकी जो दोनों की बाइंडिंग रिंग्स है उसको खोलने का काम करता है, तभी ये दोनों सेपरेट जो चेन होती है वो सेपरेट होने का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये जो है वो आगे जाके सेपरेट स्ट्रैंड फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं सेपरेट स्ट्रैंड्स पर यहाँ पर आगे जाके डीएनए का निर्माण होता है। ये जो है एक एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूस फॉर्म में होता है और दूसरे स्ट्रैंड पर जगह जगह पर छोड़ता हुआ प्राइमर्स जो है वो को जाके सेगमेंट्स के रूप में डीएनए का निर्माण करता है, तो इसकी सेगमेंट्स का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखें तो ये है कि टोपो आइसोमेरेज जो है वो फर्स्ट जो है वो सिंगल स्टेज कॉइलिंग फ्री होता है और इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है और रीअरेंज्ड और ब्रेक सेगमेंट को ब्रेक करने का काम करता है। इसका जो सेकंड टाइप होता है वो दोनों ही चेन को जो टेंशन होते हैं उसको रिलीज़ करने का काम करता है, उसको वापस रिजॉइंट करने का उस काम भी इसके द्वारा किया जाता है। उसमें एटीपी वर्क करती है और गायरेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर तो डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटीन्यूअस फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होती है। हमने अब यहाँ पर पढ़ा कि देखो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में है, इसमें ओकोजा की फॉर्म फ्रेगमेंट्स का निर्माण यहाँ पर होता है। ये डीएनए प्राइमर के रूप में यहाँ पर आरएनए प्राइमर के रूप में जुड़ जाता है और छोटे छोटे सेगमेंट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वह डिसकंटीन्यूअस होती है और फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होती है और डीएनए सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा डीएनए सिंथेसिस संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है। ये जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए की रेप्लिकेशन और डीएनए की रिपेयर के लिए पॉलीमरेज फर्स्ट इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन का काम करता है और उसे रिपेयर का काम भी करता है। डीएनए टेम्पलेट को है वो प्राइमर कहते हैं जो कि नए सेगमेंट्स का या नई जो ब्रांच होती है उसका निर्माण करता है, तो डीएनए टेम्पलेट को प्राइमर कहा जाता है। आरएनए सेगमेंट्स जो होते हैं वो लगभग 50 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं और ये भी प्राइमर्स के तरह ही वर्क करते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम पर जो डीएनए सिंथेसिस के लिए आरएनए और डीएनए प्राइमर्स के रूप में काम करते हैं और ये चार टाइप के होते हैं, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स और ट्राईफॉस्फेट, डी एटीपी, डी टीटीपी, टीटीपी और डी जीटीपी और डी सीटीपी। इस प्रकार डीएनए पॉलीमरेज डीएनए स्टैंड के 3OH ग्रुप पर न्यूक्लियोटाइड्स की पेयरिंग का काम करता है और डीएनए सिंथेसिस जो है वो लगभग क्रिया जो हो रही है वो 5 to 3 एंड्स की ओर बढ़ती है जैसा कि डायग्राम में
जैसा कि डायग्राम के अंदर प्रेजेंट है, टू फाइव टू थ्री एंड्स के रूप में यहाँ पर डीएनए का नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स का अटैच होता है। तो ये भी देखिए, फाइव टू थ्री एंड्स यानी कि अपोजिट फाइव टू थ्री एंड्स में ही न्यूक्लियोट डीएनए का सिंथेसिस का काम किया जाता है। तो हमने देखा कि ये जो डीएनए सिंथेसिस है वो फाइव टू थ्री एंड्स में बढ़ता है, और डीएनए में दोनों चेंज जो वो एंटी पैरेलल होती है। डीएनए पॉलीमरेज की जो डायरेक्शन होती है वो फाइव टू थ्री एंड्स पर होती है, और वहाँ पर ये कंटिन्यूस एप्लीकेशन को कंप्लीट करता है, जबकि जो अपोजिट चेन होती है उसमें थ्री टू फाइव डायरेक्शंस के अंदर डिसकंटिन्यूस सेगमेंट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। और ये जो डिसकंटिन्यूस सेगमेंट्स बनते हैं उनको यहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है, और जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं यूकेरियोटिक में। और ये जो आरएनए सेगमेंट्स होते हैं ये डीएनए रिपेयर के समय सेगमेंट्स में चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे कि जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो स्पेस को फिल कर देते हैं, और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो लाइगेज एंजाइम जो होता है उसके द्वारा रिपेयर या जोड़ने का काम उनके में किया जाता है। अब अगर हम रेप्लिकेशन में काम आने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में देखें, तो जो एंजाइम्स किस तरह से रेप्लिकेशन प्रोसेस में काम करते हैं, सबसे पहले डीएनए हेलिकेज जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए की अनबाइंडिंग का काम करते हैं, और एटीपी जो होती है इसमें ऊर्जा प्रदान करती है, डीएनए की अनबाइंडिंग को खोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बी एल्बर्ट ने इसे T4 फेज के अंदर वायरस से इसको डिस्कवर किया था, डी हेलिकेज एंजाइम्स को। सेकंड है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, जो कि दोनों ही चेन के बीच में जो है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक करने का काम करता है, जैसे एडिनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में पाई जाने वाली जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है उसको तोड़ने का काम है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। थर्ड जो है इसके अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है वो टोपो आइसोमेरेज जो है वो, जिसे हम गायरेज एंजाइम भी कहते हैं, जो यूकेरियोटिक्स के अंदर जो है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, टोपो फर्स्ट और टोपो सेकंड, ये इसके आइसोमर्स होते हैं। और जो टोपो फर्स्ट होता है वो सिंगल स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग करता है, खोलने का काम करता है, और इसके अंदर जो एटीपी है वो नॉट नेसेसरी, किसी प्रकार की टोपो फर्स्ट के अंदर एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन टोपो सेकंड जो है वो डबल चेन की जो टेंशन को है वो अनवाइंडिंग करता है, तनाव को कम करने का काम करता है या उसकी वाइंडिंग को खोलने का काम करता है, और जिसके अंदर एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने टोपो आइसोमेरेज के फंक्शंस को देखा, जिसे गायरेज एंजाइम भी कहा जाता है। अब देखें तो सिंगल स्टैंड जो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जिसको SSBP भी कहा जाता है, SSDNA जो है सिंगल स्टैंड DNA जो है वो वहाँ पर ये टेम्पलेट के फॉर्म में या पूरक के रूप में जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, और ये स्टेबलाइजेशंस ऑफ फिलामेंट्स जो है उनको स्थिर रखने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो डीएनए की जो रिपेयर होती है उसका काम इसके द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीएनए की रिपेयर का काम किसके द्वारा होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा डीएनए रिपेयर का काम किया जाता है। ये डीएनए की अर्ध संरक्षी नेचर का में हेल्प करता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर में उसको सहायक करता है। तो ये एक पेप्टाइड चेन्स का, जिसको कि पॉली ए कहते हैं, को लोकस द्वारा इसमें कोड करता है, और इसमें जो प्रोटियोलाइटिक एक्शन जो होता है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, एक तो है वो लॉन्ग फिलामेंट्स नॉट्स फॉर्म में 3 to 5 एंड्स पर एक्सोन्यूक्लियस के फॉर्म में वर्क करता है, और दूसरा जो है स्मॉल होता है जो कि डीएनए के नेक पर डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है, और इसकी एक्टिविटी जो होती है वो उसकी प्रेजेंस होती है। इसी तरह जो पॉलीमरेज फर्स्ट है जो है ये स्पेशल बाइंडिंग साइट्स पर वर्क करता है, जिसके अंदर टेम्पलेट साइट वर्क प्रेजेंट होती हैं और
प्राइमर साइड भी जिसे कहते हैं, और जो इसके अंदर प्राइमरी टर्मिनल्स जो होता है वो 3 OH एंड की ओर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर 5 ट्राईफास्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, और 5 to 3 एंड्स पर ये एंडियो न्यूक्लियस की साइड को वर्क करता है, एंडो एक्सो न्यूक्लियस साइड पर वर्क करता है पॉलीमरेज फर्स्ट। इसी तरह डीएनए का जो पॉलीमरेज सेकंड होता है वो डीएनए की रिपेयर का काम करता है, और 3 to 5 डायरेक्शंस पर एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम्स के रूप में वर्क करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जो कि एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। ये एक न्यू चेंज के सेल्फ रेप्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आवश्यक होता है, और ये 3 OH एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करने का काम करता है। डीएनए टेम्पलेट जो है वो एक ओल्ड स्टेन होती है, जहाँ पर जो आरएनए प्राइमर होता है वो जुड़ता है, और इसमें एटीपी आवश्यक होती है। प्राइमर्स तो हैं, तो प्राइमर्स जो है वो 5 एंड्स पर आरएनए प्राइमर्स का जो फॉर्मेशन करता है, और आरएनए की जो ओलिगोसैकेराइड्स होती है वो 3 एंड्स OH पर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम देखें, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं वो आरएनए के प्राइमर को हटाकर उसके स्थान पर डीएनए को जोड़ने का काम करता है, और ये काम जो है वो पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा किया जाता है, जिससे कि ये जो टूटे हुए पार्ट होते हैं उन्हें निक कहा जाता है, जिसमें डीएनए के 3 to 5 एंड्स को फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है, और उसमें एटीपी जो है वो और एनएडीपी से ऊर्जा हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके अलावा स्विवलेस या स्विजेज ने रोटेटिव जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसको प्लैंकटोनिक, उसके अंदर कोइल प्रेजेंट्स होती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशंस की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है उसमें एक स्पेशल साइट से ये शुरू होती है, जिसे इनिशियल पॉइंट्स कहते हैं। इस इनिशियल पॉइंट्स में या इस साइट पर जो है वो डीएनए की साइट पर एक्सीशन प्रोटीन इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये जो एक्सीशन प्रोटीन होती है इसमें जो डीएनए एंजाइम्स होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज को ये डायरेक्ट करने का काम करते हैं, निर्देशित करने का काम करते हैं, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इनिशियल प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाता है और आरएनए प्राइमर्स का फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पर जो डायरेक्शन है प्राइमर्स है, ये प्राइमर का निर्माण ये आरएनए प्राइमर के रूप में यहाँ पर किया जाता है। इस तरह ये आरएनए प्राइमर्स का निर्माण करता है, और ये जो आरएनए प्राइमर होता है वो लगभग 50 से लेकर 100 जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसका बना होता है। इसी प्रकार जो एंजाइम्स होता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम्स होता है, ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम्स डीएनए के जो डबल हेलिक्स होता है उसको अनवाइंडिंग यानी कि उसके कुल्लन को या उसको टेंशन को दूर करने का काम करता है, और ये है अनवाइंडिंग जो प्रोटीन होती है वो इनिशियल साइड्स पर बॉन्ड बना लेती है, और बॉन्ड बनाने के कारण ये डीएनए के दोनों हेलिक्स को खोल देती है। अब इसकी जो एसएसबी प्रोटीन होती है, सिंगल एसएसबी प्रोटीन्स जो प्रोटीन है कवर सिंगल स्टैंड डीएनए, ये एसएसबी प्रोटीन है ये स्टैंड का जो है वो स्टेबलाइजेशन कर देती है, यानी स्टैंड को स्थिरीकरण कर देती है, ओपन करके उसे फिक्स करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं वो डीएनए के 5 एंड से लेकर 3 एंड्स की ओर वर्क करते हैं। देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, 5 एंड से ये लीडिंग का काम शुरू करते हैं और 3 एंड्स की ओर डायरेक्शन में जो है डीएनए के न्यू सेगमेंट्स का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया के अंदर जो आरएनए प्राइमर होता है वो डीएनए के फिलामेंट के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का वर्क करता है, और इस क्रिया के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है जो यहाँ पर दिखाया गया डीएनए पॉलीमरेज या पॉलीमरेज होलो पॉलीमरेज थर्ड है,
ये जो पॉलीमरेज थर्ड है उसमें एटीपी की इसको आवश्यकता होती है, और ये संश्लेषित होने वाला जो डीएनए सेगमेंट होता है वो 5 to 3 डायरेक्शंस के अंदर, दिशा के अंदर ग्रोथ करता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो डिसकंटिन्यूस या असत सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है। जिन इन असत जो सेगमेंट्स होते हैं उसको हम ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये जो ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसमें जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो लगभग छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में होता है, और इन्हें ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स को है जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लिखा हुआ है पॉलीमरेज फर्स्ट, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरएनए प्राइमर्स को हटा देता है, और हटाने के बाद डीएनए लाइगेज के द्वारा और डीएनए सिंथेटेज एंजाइम्स के द्वारा जो है कि ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, इन ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम्स, जैसे डायग्राम में जैसा दिख रहा है को जोड़ने का काम करता है, और डीएनए जो है वो डुप्लेक्स को ये तैयार कर देता है, प्रिपेयर करके और तैयार कर देता है। इस तरह जो है डीएनए की जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन प्रोसेस है, वो इस तरह से हमें देखने को मिलती है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ डीएनए गायरेज रिडक्टेज लिंकेज करता है, और लिंकेज करने के कारण ही हेलिकल खुलते हैं, और केस जो है वो अनवाइंडिंग, डीएनए का अनवाइंडिंग करता है। अब से इससे पहले जो हमने वीडियो के अंदर बताया था कि जितने भी अलग अलग के प्राइमर्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो अपना किस तरह से इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अपनी भूमिका को निभा करता है, तो ये जो है ये टॉपिक यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होता है। जो ई कोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन एंजाइम्स होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है लगभग 12 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम यहाँ पर रेप्लिसोम्स कहते हैं, तो ये ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है।